आदिवासी बहुल जिला सिमडेगा आज मानव तस्करी के लिए जाना जा रहा है। यहां भोली भाली आदिवासी बेटियों को शिकार बनाया जा रहा है। इन मासूमों को महानगरों की भूल भुलैया में छोड़ दिया जा रहा है, जहां इनके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है। ये मामले आज देश के हर कोने से सुनने को मिल रहे हैं। यहां तक कि झारखंड का आदिवासी बहुल जिला सिमडेगा भी इससे अछूता नहीं, बल्कि सिमडेगा बानो इलाका मानव तस्करी के मामले में राज्य में सबसे आगे खड़ा है। बानो स्टेशन पर मानव तस्करी को रोकने के इंतजाम न होने के कारण बड़ी आसानी से भोली भाली बेटियों को ट्रेन के जरिए बाहर भेज दिया जाता है। बानो क्षेत्र पहले उग्रवाद के मामले में आगे था और अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए जाना जाता है। इसे हम बानो स्टेशन के नाम से जानते हैं और ये अति उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र रहा था किसी समय में। आज थोड़ा कम हुआ है लेकिन समाप्त नहीं हुआ। लेकिन आज ये जो बानो है, ये पूरे भारतवर्ष में मानव तस्करी के लिए पहले स्थान पर जाना जाता है। और ये जो हम इस रेल लाइन पर खड़े हैं, यह उस तस्करी में बहुत ही बड़ा एक अहम भूमिका निभाता है। मानव तस्करी को रोकने के लिए जिले में एसटीयू थाने की स्थापना भी की गई है, लेकिन एसटीयू थाने का प्रयास भी काफी साबित हो रहा है, जिसके कारण अब प्रशासन मानव तस्करी को रोकने के लिए नए सिरे से कार्य करने की बात कर रही है। उसमें हमारे पास एएसटीयू थाना है, जो कि ऐसे कोई भी कांड अगर प्रतिबंधित होता है उसमें अविलंब गिरफ्तारी करते हैं, जिससे कि हम लोग यह सुनिश्चित कर सकें कि लोगों में एक डिटरेंस जो है वो बना रह सके। दूसरी चीज आती है अवेयरनेस की। अवेयरनेस के लिए हम लोग जो है अवेयरनेस कैंपेन जो है कुछ दिन में शुरू कर देंगे, जिससे कि लोगों को बराबर जो है बताया जा सके कि जो मानव तस्करी में जो लोग करते हैं या जो लोग मानव तस्करी का शिकार होते हैं, उन लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। सिमडेगा में मानव तस्करी के खिलाफ रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ाने के साथ क्षेत्र में व्यापक जागरूकता फैलाने की जरूरत है, जिससे सिमडेगा की बेटियां महानगरों में बिकने से बचे। न्यूज 11 भारत के लिए सिमडेगा से आशीष शास्त्री की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।